भी आई थिंक जावेद अली आने वाला है तो आपको दिखाएगा। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इवनिंग में क्यों ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका रीजन ये है कि ये जो देख रहा हूँ ना, ये एग्जाम पेपर है, ठीक है। 9 बजे से 4 बजे तक मेरा एग्जाम था और अभी मैं जस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुबह मैं पढ़ रहा था ना, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। और अभी हम जाएंगे मेले में घूमने के लिए, और आज एक बहुत ही बड़े स्टार आने वाला है, बहुत ही बड़े स्टार मतलब बहुत ही बड़े सिंगर आने वाला है, जिसका नाम है जावेद अली। तो होपफुली कि वो जल्दी आ जाए और हम उस शो को अटेंड कर पाए। तो गाइज, कॉन्सर्ट अटेंड करने से पहले अभी हम जाएंगे जिम पर, क्योंकि आज हमारे जिम पर बॉडी बिल्डिंग शो है, तो पहले उसको हम अटेंड करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम कॉन्सर्ट देखने के लिए, ठीक है। और आपको मिलाएंगे जावेद अली से। अभी हमको हेलमेट रखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ये ई बाइक है ना, तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, तो हम अभी कैसे रख रहे हैं देखो भाई। और ये भाई धासु जुगाड़ है, ठीक है ना, देखो भाई क्या खतरनाक। अभी हम इसको लॉक करेंगे भाई, ये पूरा सेट हो गया भाई, और कोई चोर वगैरह कोई भी नहीं आ सकता भाई, इसको नहीं खोलेगा। ये रहा आपके सामने गांधी स्मृति भवन बालेश्वर का, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि हमारा आज प्रोग्राम है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। एंड दोस्तों, यहाँ पर प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका है, अभी आपको ठीक दिख रहा होगा। यहाँ पर पोजिंग भी स्टार्ट हो गया है, ऑप्शनल पोजिंग, ये सब पोज दिखा रहे हैं अभी भाई। खतरनाक बॉडी इन्होंने बनाया ना, वाह मस्त है भाई। जो भाई बॉडी इन्होंने बनाया ना भाई, मस्त एकदम से भाई, मुझे भी ऐसे बॉडी बना रहा है। और मुझे 6 मंथ लगेगा मेरा बॉडी ऐसे मतलब मैन फिजिक्स में आने के लिए, ठीक है। मुझे 7 जन्म नहीं नहीं नहीं, आपको भी लग जाएगा, बोले 7 जन्म लग रहा है आपको, ऐसा नहीं 7 जन्म को लगेगा 1 ईयर। हमारा जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है वो अभी चालू है, लेकिन हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको जाना है मेले पर और आपको जावेद अली से भी मिलाना है ना। So that's impressive how much you're messing with my feelings and my heart. देख लो, ये जो लैंड रोवर आगे चल रहा है ना, रेंज रोवर, इसमें जावेद अली बैठा है, देखो अभी सिक्योरिटी के साथ जा रहा है अंदर, और हम बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गए। यहाँ पर जो हमारा ओडिशा में जो चलने लग रहा है हमारा हॉकी वर्ल्ड कप, यहाँ पर दिखाया जा रहा है सब। एंड गाइस, यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छा लगा, यहाँ पर क्लीनेस्ट, यहाँ पर पानी को मिडिल में स्प्रे किया जा रहा है, जो कि मतलब धूल मिट्टी को उड़ने नहीं दे रहा है, ठीक। देखो भाई, इसमें हमारा जो क्लॉथेस वगैरह है वो सब ऐसे तैयार करा जाता है, ठीक है ना। ये देखो भाई कितना गजब भी लग रहा है ना, इसमें से बना जाता है, इससे ये सब चादर वगैरह बना है, ये जो आपको दिख रहा है ना, वहाँ से सब प्रोड्यूसर के ये सब चादर वगैरह बना है, ठीक है। अभी आई थिंक जावेद अली आने वाला है तो आपको दिखाएगा।
Yeah.
Oh,
هاري هاري تيري يا رومي.
Thank you.
थैंक यू सो मच. आपने जो टॉर्च मोबाइल लाइट से जो वो बीच बीच में जो आपने वो भाई जी यहाँ से जाने का तो भाई बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन हमको मजबूरी में जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए हमको जाना पड़ रहा है. सो सॉरी गाइस उसके लिए. मिस जावेद अली क्योंकि वो मेरा सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिंगर है, ठीक है ना. आपका मेरा भी भाई बहुत ही ज्यादा फेवरेट सिंगर है. उसका फर्स्ट सॉन्ग जो था तुम मेरी अधूरी वो जो आ गया. तू मेरी अधूरी प्यास प्यास जो मैंने जो पहले गाना गाया ना भाई बहुत ही ज्यादा ही अच्छा था. मैं आपको क्या लफ्जों में कुछ शब्द भी नहीं उसको मतलब डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना. रियल में इतना अच्छा साउंड करते है ना भाई, मतलब हाँ रियल में भाई इतना ज्यादा मतलब अच्छा साउंड करते है ना भाई, मैं आपको कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है. अभी हमारा जो श्रीवली सॉन्ग है जो सबसे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था वो भी अभी स्टार्ट हो चुका है. हमारे यहाँ पर बिरयानी भी आ चुका है और इसको हम खाएंगे और अभी चलेंगे हम इसको फिनिश करके हम चलेंगे घर. हम इतने जल्दी में ना तो इसका टेस्ट भी मतलब जैसा होना चाहिए तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जल्दी में I don't know what I was thinking. Let it be more than drinking and going back to your place. Never to see.